हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे आपके सामने साहित्य के नोबल पुरस्कार के बारे में। देखिए, जो साहित्य का नोबल पुरस्कार है ये इस बार दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाजी को। और देखिए, ये तंजानिया के एक राइटर हैं और ये राइटर जो हैं स्पेशली एक्चुअली के रिफ्यूजी राइटर हम बोल सकते हैं आप इनको। तो इनको जो दिया गया है अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनाइलिज्म एंड द फेट ऑफ रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स। तो कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स के जो गल्फ है उनमें रिफ्यूजी के जो फेट है उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। दूसरी चीज़, ये अवार्ड एक्चुअली किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, जो स्वीडिश अकेडमी है स्टॉकहोम स्वीडन में, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इनका जो अवार्ड ये नॉवल था पैराडाइज, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया था 1994 बुकर प्राइज़ के लिए। तो गुरना हु ग्रू अप ऑन द आइसलैंड्स ऑफ जंजाबीर एंड अराइव्ड इन इंग्लैंड एज ए रिफ्यूजी इन 1960। तो देखिए, 1960 में ये इंग्लैंड में एज ए रिफ्यूजी गए थे। ही हैज़ पब्लिश्ड 10 नॉवल्स एज वेल एज ए नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। एंड्रेस ऑल्सोन, चेयर ऑफ द नोबल कमेटी, सेड दैट तंजानियन राइटर्स नॉवल फ्रॉम हिज डेबिट मेमोरी ऑफ डिपार्चर अबाउट ए फेल्ड अपराइजिंग टू द मोस्ट रिसेंट द मैग्निफिशेंट After Avalives recall from stereotypical descriptions and open our gaze to a culturally diversified East Africa unfamiliar to many in other parts of the world। तो देखिए, इनको किसको अवार्ड दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो अगर हम ये बात देखेंगे तो अवार्ड जो किसका दिया गया, अब्दुल रज्जाक गुरना। कहाँ के हैं ये? बेसिकली तंजानिया के हैं और एज ए रिफ्यूजी 1960 में ये इंग्लैंड चले गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो है स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। देखिए, जैसे कल हमने बात की थी केमिस्ट्री में किनको मिला था, तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया था। और उससे पहले अगर हम बात करें फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, तो अमेरिका के डेविड जूलियस एंड आरडेम पैटापोलिटोलिन को ये अवार्ड दिया गया था। और फिजिक्स में अगर हम बात करें तो ये इस साल 2021 का जो अवार्ड है, तीन लोगों को दिया गया था, शिकोरो मनाबे फ्रॉम जापान, क्लॉस हैसलमैन फ्रॉम जर्मनी एंड इटलीज जियोर्जियो पारिसी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।